अरे डांट दिया कोई कांड नहीं देगो। सभी ध्यान लगा के सुने इस चीज को। दुख सुख आ तो जातो रहे, दुख आ जावे सुख आ जावे, परमात्मा की कृपा वे जूझ वे, लेकिन दुख पड़ते ही अनकी मुंडा के बारे में एल्बम वो दुख नहीं कटे बिन तो काट रही इस बेड़ी ई लिखो हिम्मत मत ना हार नर। डांट दिया यानी रोबो कोई नहीं काट सके। हिम्मत कीमत कहे को हारे, हिम्मत आ रहे ऐसे तो लोग ऐसे को। कीड़ी को कण हाथी को मन, अरे हंस को मोती सदा हरी देगो। सोच विचार उदय राय कहे कि हो हार तो हो के रहेगो। होनी प्रबल है परमात्मा करके ये तो कोई जाने क्योंकि कोई चेंज नहीं कर सके। इले सती सुलोचना की रचना के बीच रख रहा हूं। जिस समय मेघनाथ को वध भेजा में और एक हाथ कट मेघनाथ को और सती सुलोचना के मेल में जा और सारा युद्ध को वृतांत लिख दे। सती सुलोचना अपना ससुर जी रावण सरकार ने के जान के हुक्म मैं सती बनी जाऊं तो रावण सरकार के सती के जान में मातो तो ही कोई धड़ धड़ के लारे सती नहीं बन सके। सती विवाह के लिए पति को मस्तक बहुत जरूरी है तो भी क्यों मस्तक तो मैं ले आऊं कटे जो मैंने ध्यान है कि रामादल में मैं जाके लेके आती हूँ। तो सती सुलोचना अपना घरों अनुमति ले और भगवान श्री राम के कटक में जावे। छठे भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी हनुमान जी महाराज सूर्य जी महाराज जामन जी अंगद जी नल नील जी सारी मानव सेना विराजमान और जाते ही हाथ जोड़ करके भगवान के सामने कहती है सुनो श्री रघुनंदन रघुनाथ सुलोचना कहे जोड़ कर हाथ वीर गति प्राणपति भाई अवीर गति प्राणपति पाई थे देवो शीष जगदीश पति संगी हो में सती जा जगदीश पति संगी हो में सती जाए श्री राम की सेना के सेना नहीं पूछ रहे कि भाई तेरे को कैसे पता कि मेघनाथ को मस्तक मांगना कहे वी टेम सती के भी रक्त भरी भुजा आंगन पड़ी आई रक्त भरी भुजा आंगन पड़ी आई देख संदेह हुआ मनुमान भुजा ने सब हाल लिख दर्शाया ओ मेरा धड़ रण स्थल के बीच शीश रामा दल ने रक्त भरी भुजा आंगन पड़ी आई देख संदेह हुआ मन माई भुजा ने सब हाल लिख दर्शाया मेरा धन स्थल के बीच
शीश रामादल ने पाया। तब जाने मन ने पतो चलो को मारा पति देव शांत हो गया है, तो मैं बड़ी दुखी वे भगवान ने सुन पति मृत्यु में महादुखी पाई, सुर असुर कोई जीत सके पति मृत्यु में महादुख पाई, सुर और असुर यानी देवता और राक्षस दो ही मारा पति देव ने जीत सके। मारा पति देव कौन जीत सके जो भगवान में बताऊं आपने कौन जीत सके, जो 12 वर्ष तक स्त्री भोजन नींद बिसारे, जो 12 वर्ष तक स्त्री भोजन नींद बिसारे, वही इंद्रिय जीत मम पति अजीत को जो 12 वर्ष तक स्त्री भोजन नींद बिसारे वो इंद्रिय जीत मम पति अजीत को मारे, जो 12 साल तक भोजन नहीं करे, 12 साल तक स्त्री भोग नहीं करे और 12 साल तक नींद न निकाले वो आदमी मेघनाथ ने मार सके, बाकी की ताकत नहीं मेघनाथ ने मारना। तो भगवान के ऊपर से आगे गई वो तो कहे भगवान पूजा हो रही लिखो कहीं लिखा पूजा मारा मुझे श्री लखन से अवतार जी, जो कोटि बरस तक तज सके स्त्री नींद आहा के वे मने मारबा वालों को नाम है लक्ष्मण और वो 12 साल नहीं 1 करोड़ साल तक भी अन्न नहीं खा, 1 करोड़ साल तक स्त्री भोग नहीं करे, 1 करोड़ साल तक नींद नहीं निकाले, अशुद्ध जती है वो, तू सती है तो वो भी जती है। तो अब जब भगवान के तो फिर अब कहती है नारद के वचन सही समझाए, नारद के वचन सही समझाए प्रभु मोह माया ममता बिसराए, ओ चरण की शरणी नाथ आई, चरण की शरणी नाथ आई, माने देवो जिसीश जगदीश पति संग हो में सती जाए। केवे नारद जी महाराज मने क्यों दुखो और वह बात अब सत्य लगी भगवान और बोली परम बलवीर सुभट रणधीर, परम बलवीर सुभट रणधीर सोए रण सैया त्याग सरी, खाए कभी स्वान कीट तन को, खाए कभी स्वान कीट तन को मोहे प्राण नाथ करके अनाज लूटा क्यों जीवन धन, परम बलवीर सुभट रणधीर जो सोए रण सैया त्याग शरीर, हे प्रभु
मारा पति को शरीर जो कभी मखमल का गदेला पे रेबड़ो जो आज मिट्टी में पड़े धोखो है और इन्हें कागला खा रिया कीड़ा खा रही कुत्ता नोच रहा है मेरे शरीर की दशा बिगड़ रही भगवान और भगवान हंसपा लग गया क्यों वाह 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 सुलोचना पण सुन अरे थारे कई कमी थार तो होना का मेल है अकी लंका नगरी सोना की क्यों घबरावे तो सती सुलोचना के केवी कंचन माहेली भवन सुखी सारा पति बिना सती के नरक संसार केवे कंचन महल भवन सुख सारा पति बिना सती के नरक संसार अगर पति नहीं तो सब श्रृंगार औरत को श्रृंगार पति के ला रहे तो भगवान क्यों भाई बात तो सत्य है सुलोचना के भगवान और सुनो भुजबल के कोप से ये तीनों ही लोग थर्राता भुजबल के कोप से तीनों ही लोग थर्राता सुरपति इंद्र सुर इंद्रासन भगता भुजबल के कोप से तीनों ही लोग थर्राता मारा पति देव की ताकत के आगे तीनों लोग त्राहिमान और इंद्र भी हुन लेतो कबे मेघनाद आयो है तो इंद्रासन ने छोड़ भाग जातो अत्रो ताकतवर हो मारो पति देव लेकिन अखिल विश्व की संपदा सेवा में रहती हर घड़ी वही दह आज खंड खंड हो के धरनी पर पड़ी अकल विश्व की संपदा सेवा में रहती हर घड़ी ओ वकी दे आज खंड खंड हो करके धरनी पे पड़ी इसलिए प्रभु ये मानव तन मा मानुज सुजा मानुष तन है रामानुज सुजान करण कल्याण प्रगटे भगवान करण कल्याण प्रगटे भगवान मैं महिमा सुन करके आई ओ महिमा सुन करके जगदीश पति बार बार निवेदन करे सुलोचना तो भी टेम देख पति भक्ति प्रभु हर साई देख पति भक्ति प्रभु हर साई रखा जट सन्मुख शीश मंगवाई ओ झाड़ने लगी शीश धूल सारी जड़ने लगी शीश धूल सारी वो बोला सुग्रीव सुनो महाराज संदेह हुआ भारी देव देख पति भक्ति प्रभु हर साई
सुलोचना की बात हो भगवान को मन गदगद वेरु मेनु तो कितनी पति भक्त है पतिव्रता औरत है। जाओ हनुमान जी मेघनाथ को मस्तक लेके आओ आदर सहित आदर से मस्तक लाभा को नाम ले दो। और सुग्रीव जी बस में बोल गया क्यों भगवान मने एक शंका है कही कि अमृतक भुजा कैसे लिखे रघुराया अरे जानी नहीं जाए ये निशाचर मृतक भुजा कैसे लिखे रघुराया और जानी नहीं जाए निशाचर माया ये प्रभु ये तो राक्षस है माया भी है। ये मायाओं का भी झूठ बोलना अपन फटाफट नहीं है लेकिन मेरी बात सुनो प्रभु मेरी एक शंका है उसे आप निवारण कर दो। भगवान तो कही या कह रही कि मारे मेल में कटे दो को हाथ आन सब बात लिखी हाथ भी कटे दो को और मातो भी कटे दो हाथ लिख सके तो जो मातो भी बोलना चाहे वो मातो बोल जाए तो मैं मान लेंगे वास्तव में सती है। केवे जमृत भुजा ने लिखा तो शीश बोलेगा जमृत भुजा ने लिखा तो शीश बोलेगा ए भ्रम मिटेंगे मेरे ये सारे ही भेद खोले केवे या भ्रम सति मिटे जो सौरव भेद बतावे कशान मारियो जो यो नाम ले दो कि शीश बोलेगा सलोचना के हाथ में मेघनाथ को मातो हो जी ने पाचो भगवान का पगा मेल दे ओ जटा खड़ी विको और पांच कदम पीछे हर के जावे और हाथ जोड़ और केवे हे पतिदेव आज मेरी पतिव्रत धर्म की परीक्षा है और मैंने मेरे जीवन में सपने में भी परे पुरुष को नहीं समझा हो अपना तो आपको बोलना पड़ेगा मैं एक पतिव्रत नारी हूं। तो कहे कहती सती लख मम गती अब प्राण पति प्रण राखिए हो अखंड पतिव्रत धर्म मेरा तो आज सभा में बाकी अगर मेरा पतिव्रत धर्म अखंड है तो आपको बोलना पड़ेगा आपने बोलना पड़ेगा जो ऐसा कह और कही वे हंसने लगा शीश पलू माय हंसने लगा शीश पलू माय चैन राम कपी भालू चक्राय चैन राम कपी भालू चक्राय शक्ति की महिमा मुख गाई शक्ति की महिमा लिख गाई हो माने जगदीश पति संग ओ में सती जाए ओ माने देवो जिसीश जगदीश पति संग ओ सती जाए और भगवान की जय बोलो चार भुजानाथ की जय।